The BJP Congress and the Aam Aadmi Party held rallies in Delhi ahead of the February 7th assembly elections. While Kejriwal launched his attack on the BJP, Sonia Gandhi addressed her first rally in Delhi, targeting the Modi government for neglecting Delhi. हम अगर 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद कर सकते हैं, बीजेपी वाले नहीं कर सकते 7 महीने में झूठ बोल के वोट ले लिए और चुनाव जीतने के बाद बिजली कंपनियों के साथ जाकर मिल गए 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए। उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, आखिर उन वादों का क्या हुआ और दिल्ली को अपने हाल पर छोड़ दिया। Narendra Modi too held rallies as a part of BJP's campaign, a campaign that will see 250 rallies and 120 MPs deployed in Delhi. अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों।